बिजोलिया किसान आंदोलन, चलिए। तो साथियों, ये हमारा राजस्थान है, और जब मैं भीलवाड़ा की बात करूं आपसे, तो ये जो मेरा क्षेत्र आ रहा है जिसकी अपन बात करें, ये हमारा भीलवाड़ा है। और इसी में है हमारा बिजोलिया, राइट? चलिए, तो वो तो चलो बात हुई गई हमारी कि राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुआ, अत्यधिक लागबाग और बेगार प्रथा के विरुद्ध हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन 1897 से चला है, 1941 तक चला है। और ये जो किसान आंदोलन बिजोलिया का चला, और कौन है बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, कौन है सबसे पहले तो आप ये बताइए। हाँ, परमार, जगनेर, कहाँ है वर्तमान में? नहीं, धौलपुर में नहीं है, आगरा में है वर्तमान में, तो है ना आगरा। आज की तारीख में बात करेंगे तो आगरा। आपको पता है राणा सांगा ने पाती पेरवन परंपरा का पालन किया, और पाती पेरवन परंपरा में राजस्थान के सारे राजपूतों ने भाग लिया, उसमें अशोक परमार ने भी भाग लिया, और खानवा के युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। सांगा प्रभावित हुआ, और फिर राणा सांगा ने इनको 256 वर्ग किलोमीटर की ये जागीर उपहार में दी, बिजोलिया सदर ए मुकाम। यहां पर सबसे ज्यादा जिस जाति के किसानों ने आंदोलन में भाग लिया, लगभग मैं बात करूं आपसे 12,000 लोग हैं यहाँ पे बिजोलिया में इस समय, आबादी की अगर बात करें तो। और 12,000 लोगों में सबसे अधिक जो जिस जाति के किसान है वो है धाकड़ जाति के किसान। और धाकड़ जाति के किसानों ने यहां पर क्या किया, सबसे ज्यादा भाग लिया। गिरधरपुरा गांव की बात है, गंगाराम धाकड़ के यहाँ पर मृत्यु भोज का अवसर था, आसपास के धाकड़ जाति के अन्य जाति के किसान एकत्रित हुए, और लाटा और कूता से बड़े परेशान थे। आपको पता है खड़ी फसल में से कर का निर्धारण, लाटा कूता की बात करें, कूता किसे कहते हैं भाई, खड़ी फसल में से कर का निर्धारण करना, लाटा कहता है फसल पकने के बाद में कर का निर्धारण करना। मेवाड़ में आपको पता ही है 84 प्रकार की लागों को लेकर मैंने बात की, तलवार बंधाई है, चौरवी कर है, ये 84 टैक्स मेवाड़ में होते हैं, खिचड़ी लाग है, कमठा लाग है। कुल मिलाकर मेवाड़ की जनता बड़ी त्रस्त थी, और बिजोलिया के लोग भी काफी प्रभावित थे। तो गिरधरपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के यहाँ पर जब मृत्यु भोज का अवसर था, आसपास के सारे लोग यहाँ पर जब एकत्रित हुए, तो सबकी समस्या एक थी कि भाई टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, क्या किया जाए। सब लोगों ने कहा कि भाई महाराणा मेवाड़ के पास में बिजोलिया ठाकुर की शिकायत जानी चाहिए। महाराणा मेवाड़ कौन? फतेह सिंह। बिजोलिया ठाकुर कौन? कृष्ण सिंह। तो फिर अब कौन लेकर जाए ठाकुर की शिकायत, ये भी तो समस्या थी ना। तो आप जैसे दो हट्टे कट्टे लोग थे, एक नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल, दोनों थोड़े बोला व्यक्ति थे, हट्टे दिल के बढ़िया मजबूत आदमी थे, क्योंकि दरबार के सामने जाकर बोलना भी उस दौर में, दरबार के सामने हर कोई तो बोल ही नहीं सकता था। तो नानजी और ठाकरी पटेल को उस गिरधरपुरा गांव की उस पंचायत में अपना नेता मान लिया, और नानजी और ठाकरी पटेल चले जाते हैं बिजोलिया ठाकुर की शिकायत के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में। महाराणा फतेह सिंह ने शिकायत पर विशेष अमल नहीं किया, ठाकुर किशन सिंह को ताकत मिली, और ताकत का परिणाम यह हुआ कि ठाकुर किशन सिंह ने बिजोलिया से नानजी और ठाकरी पटेल को निकाल दिया। यहां से किसान आंदोलन चलता है। 1903 में बिजोलिया की जनता से एक टैक्स और लगा दिया, चौरी कर, बेटियों के विवाह पर टैक्स 5 रुपया प्रति विवाह। हाँ बिल्कुल सही है, रामप्रसाद व्यास ने 13 रुपया प्रति विवाह बताया, सही बात है आपकी।
किसानों ने जमीनें पड़त रख दी, विरोध किया। साधु सीताराम दास ने फिर कमान संभाली। 1906 में किशन सिंह की डेथ हो जाती है, पृथ्वी सिंह नए ठाकुर बनते हैं बिजोलिया के। उत्तराधिकार शुल्क लिया जाने लगा बिजोलिया की जनता से, विरोध हुआ, वह जमीनें पड़त में रखी गई। साधु सीताराम दास है, फतेहकरण चारण है, ब्रह्मदेव है, ये कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने विरोध किया और जमीनों को पड़त में रखा। यानी कि ये किसान आंदोलन अगर जब आप बात करते हैं तो इसके तीन चरण है किसान आंदोलन के। कितने चरण? तीन चरण। तीन चरणों में पहला जो चरण है ये 1897 से लेकर 1915 तक है, दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 तक है, और तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक है। ये तीन चरण है और हर चरण में अलग नेतृत्व करता है। पहले चरण में अगर आप लीडरशिप की बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है, साधु सीताराम दास, राइट बात है, साधु सीताराम दास। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण में जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय हैं। बाद में जमनालाल बजाज भी हमारे जयपुर प्रजामंडल से जुड़ जाते हैं, माणिकलाल वर्मा भी संभालते हैं प्रजामंडल की कमान, माणिकलाल वर्मा भी संभालते हैं किसान आंदोलन की कमान। तो ये पहला चरण 1906 में जो मैं बात करना चाह रहा था कि बिजोलिया की जनता से तलवार बंधाई शुल्क वसूला जा रहा था, उत्तराधिकार शुल्क भी कहते हैं, नजराना भी कहते हैं, कैद खालसा भी कहते हैं, हुक्मराना भी कह देते हैं, पेशकशी भी कह देते हैं, ये बहुत सारे नाम है। बिजोलिया की जनता बड़ी त्रस्त हो गई और ये लीडरशिप करते हैं साधु सीताराम दास। इनके साथ फतेहकरण चारण भी हैं, ब्रह्मदेव भी हैं, इनके सहयोगी हैं। लंबे समय तक जमीनों को पड़त में रखा लेकिन ठाकुर की तरफ से कोई बड़ा रेस्पॉन्स नहीं आया। 1914 में ठाकुर की डेथ हो जाती है और एक उनका अल्प वयस्क वारिस बनता है केसरी सिंह बिजोलिया का नया ठाकुर। केसरी सिंह छोटा था बच्चा, नाबालिग बच्चा था। मेवाड़ महाराणा ने केसरी सिंह के लिए एक अलग से एक बिजोलिया में एक प्रशासक नियुक्त किया, अमर सिंह राणावत, और अमर सिंह राणावत से बातें की इन्होंने और फिर बिजोलिया की जनता के कुछ मांगे मानी अमर सिंह राणावत ने और टैक्सेस कम किए। ये पहला चरण है पूरा का पूरा। फिर 1915 से दूसरा चरण स्टार्ट होता है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। सशस्त्र क्रांति के मुख्य अभियुक्त रहे हैं विजय सिंह पथिक। नाम भूप सिंह है, मूलतया बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जाति से गुर्जर हैं। और फिर विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन की कमान संभाली। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन हुआ। ऊपरमाल पंचबोर्ड का सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति का गठन हुआ। साथियों 1919 में ही वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ का भी गठन हुआ था, जिसमें रामनारायण चौधरी की भी बात करूंगा मैं, विजय सिंह पथिक की भी बात करूंगा। और फिर इसके बाद में 1920 में तो राजस्थान सेवा संघों को हमने अजमेर ट्रांसफर कर दिया। भाई आपको ये चीज अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए कि 1919 में जो वर्धा महाराष्ट्र से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था राजस्थान केसरी, और 1920 में जो हमारे अजमेर से जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से, नवीन राजस्थान जिसको फिर तरुण राजस्थान नाम दिया गया वो प्रकाशित हुआ। फिर 1922 में एजीजी हॉलैंड समिति की सिफारिशों पर 84 टैक्सों में से 35 कर माफ कर दिए गए। अच्छा एक विशेष बात जो आपको जानकारी जरूरी होना है कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया, तो वो समाचार पत्र है हमारा प्रताप। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित किया। बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपन अब एक बार पहले चरण की बात शुरू कर देते हैं। तो एक बार आप पहले चरण की बात शुरू करें और लिखना प्रारंभ करें और टॉपिक डालें बिजोलिया किसान आंदोलन। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है बिजोलिया, लिखें आप।